हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुकीज किचन। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड चिकन। इसके लिए मैंने लेग पीसेस लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हमें इसमें इस तरह से कट्स लगाने हैं सारे पीसेस में। कट्स लगाने से ये होगा कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से इसमें घुसेगा और जो हमारा फ्राइड चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो अब हम इन सारे पीसेस को एक बाउल में ले लेंगे और इसमें हम बिल्कुल ठंडा पानी, नमक और विनेगर डालेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे एक बार पानी में धो लेंगे और फिर इसे अच्छे से निचोड़ के हम दूसरे बाउल में निकालेंगे। जब हमारे चिकन पीसेस अच्छे से धुल जाए तब हम इनको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया का फ्लेवर हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा चम्मच हम लाल तीखी वाली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और चार बड़े चम्मच हम इसमें दही डालेंगे और आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ के डालेंगे। चार लेग पीसेस के लिए आधा नींबू का रस बिल्कुल सफिशियंट है, इससे ज़्यादा इसमें नींबू का रस मत डालिएगा, नींबू से ये सॉफ्ट और जूसी होंगे। अब हम इसमें एक पूरा अंडा डालेंगे। इसमें येलो और वाइट दोनों के दोनों पोर्शंस ही डालने हैं हमें अंडे के। अब हम दो बड़े चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के डालेंगे, कॉर्नफ्लोर से बाइंडिंग आएगी इसमें, और दो बड़े चम्मच मैदा के डालेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों ही मिक्स होके एक अच्छी सी कवरिंग बनाएंगे इसकी। अब सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मैरिनेशन जो है वो हमारे सारे के सारे चिकन के पीसेस में अच्छे से चला जाए। हम इनको अच्छे से मसाज देते हुए सारे मसालों को इसे कोट करेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका जो कलर है वो बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला होता है ऑरेंज कलर का वैसा आएगा और हम इसमें कोई भी हमें अलग से फूड कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पिंच हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं उसमें अलग से फूड कलर यूज़ करते हैं तो इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा दिया ताकि हमें फूड कलर ना यूज़ करना पड़े। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। देखिए 2 घंटे के बाद हमारा मैरिनेटेड चिकन इस तरीके से दिखाई देगा और अब हम इसको हॉट ऑयल में तलेंगे। इसके लिए हमने सरसों का तेल लिया है और उसका फ्लेम बिल्कुल हाई रख के हम इसको अच्छे से गरम करेंगे। देखिए हमारा तेल अब अच्छे से गरम हो चुका है। जब हमें चिकन के पीसेस डालने होंगे तो हम अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। चिकन के पीसेस को हमें बहुत ही सावधानी से डालना पड़ेगा क्योंकि तेल इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। जब हम चिकन के पीसेस को इसमें डाल देंगे तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। हमारे चिकन लेग को पकने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे तो हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाए और जूसी भी रहे। वैसे भी धीमी आंच का खाना बहुत ही टेस्टी होता है तो हमें चीज़ों को धीमी आंच पे ही पकाना चाहिए। नॉनवेज तो खासकर हमें धीमी आंच पे ही पकाना चाहिए, उसका फ्लेवर और निखर के आता है। तो देखिए अब हमारे ये ऊपर से तो ब्राउन दिखाई दे रहे हैं पर ये अंदर से अभी पके नहीं होंगे चिकन पीसेस। इनको हम उलटते पलटते हुए बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। कम से कम 20 मिनट तो हमें इसे लगेंगे पकाने में। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, हमने कोई भी फूड कलर इसमें नहीं डाला है पर फिर भी हमारे चिकन पीसेस का कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये कश्मीरी लाल मिर्च का कमाल है, उसी की वजह से ये कलर आ रहा है। मैं ज़्यादातर अपने डिशेस में कलर को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, चाहे वो फूड कलर ही क्यों ना हो, और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ।
ताकि हमको थोड़ा फ्लेवर और कलर दोनों मिल जाए। तो देखिए अब धीमी आंच पे हमारे ये चिकन पीसेस लगभग पक चुका है। देखिए चारों तरफ से कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना अच्छा क्रिस्पीनेस आ रहा है। अब हम इन सारे चिकन पीसेस को निकाल देंगे और सेम इसी तरीके से जो हमारे बाकी बचे हुए पीसेस हैं उनको भी तल लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें कि चिकन पीसेस को हमें बिल्कुल ही डालने के बाद फ्लेम को लो कर देना है ताकि ये अच्छे से पक पाएं। आपको अपने आप दिखाई देगा कि जो चिकन का पीस है उसने हड्डी को छोड़ दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुके हैं। ये चिकन हमारे पक तो गए हैं पर अभी हमारा ये जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे डबल फ्राई मेथड करेंगे इस चिकन पीसेस को बिल्कुल क्रिस्प और क्रंची बनाने के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल के लिए। तो हम इसको बिल्कुल हॉट ऑयल में सिर्फ एक मिनट के लिए डालेंगे। जब हमारा जो तेल है धुआं देने लग जाए उस समय हम अपने चिकन पीसेस को डालेंगे और उलट पलट के बस एक मिनट के लिए हम इस गर्म तेल में रखेंगे और फिर हम इनको निकाल देंगे। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए चिकन पीसेस को भी तल लेंगे ताकि वो भी क्रिस्प हो जाए। देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हमारा तेल ठंडा है, हम इसको बिल्कुल फिर से गर्म करेंगे और उसके बाद हम इन पीसेस को डाल के सिर्फ एक मिनट के लिए उलट पुलट के करके पकाएंगे, तो ये हमारे बिल्कुल बाहर से क्रिस्प हो जाएंगे। अंदर से तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हो ही चुके हैं पर हमें इन्हें अंदर से क्रिस्प करना है। तो हॉट ऑयल में डालेंगे और बस एक मिनट बाद हम निकाल देंगे। तो देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के। तो आप इस रेसिपी को पक्का ट्राई करिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका कलर और इसका टेक्सचर देखकर तो वाव लग रहा है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा।